नमस्कार, मेरा नाम है मनीष राघव और आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात मीडिया। आइए आज हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे किरदार से जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना नाम रोशन किया, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मुंबई में आज अपना नाम बहुत जल्दी बहुत तेजी से रोशन कर रहे हैं, जिन्होंने एक बहुत छोटे से टीवी सीरियल कस्तूरी नामक टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करी और आज बहुत सारी बड़ी मूवीज में अपना काम कर रहे हैं, जिनका नाम है तुषार परवार। तो आइए मिलवाते हैं आपको तुषार परवार से। तुषार जी नमस्कार, मैं मनीष राघव स्वतंत्र प्रभात से आपका स्वागत है। नमस्ते तुषार जी, जैसे कि आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला हुआ है हम लोगों को, आप एक बहुत उभरते हुए सितारे हैं, आप कुछ अच्छी नई मूवीज भी कर रहे हैं और इससे पहले आप टीवी सीरियल में भी आए, जैसे कि हम लोगों को थोड़ा बहुत पता पड़ा। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को हमारे सब कुछ अपने बारे में बताएं ब्रीफ में। जी मैं तुषार परवार, मैं लखनऊ से हूँ और मैं अभी चार फिल्में कर रहा हूँ, दीनदयाल एक युग पुरुष एंड जो अभी रिलीज होने वाली है अगस्त में, और विमोक्ष जिसमें मैं लीड कर रहा हूँ, और मेरी अगली फिल्म है सरोजिनी जिसमें मैं सरोजिनी नायडू के पुत्र की भूमिका निभा रहा हूँ, तो उसमें भी मैं मुख्य भूमिका में ही हूँ। तो अभी जो दीनदयाल एक युग पुरुष है वो लॉकडाउन की वजह से रिलीज नहीं हो पाई, उसको यू सर्टिफिकेट मिल चुका है और वो जल्द ही रिलीज होगी, लॉकडाउन खत्म होते ही उम्मीद है ऐसी। तुषार जी हमें जैसे कि जानकारी हुई आपने सरोजनी के बारे में बताया, सरोजनी मूवी में आपके साथ लीड रोल में जो सीता माँ का रोल जिन्होंने करा है दीपिका जी ने, तो उनके साथ आपने काम किया, थोड़ा सा उनके साथ के एक्सपीरियंस के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दें। जी देखिए, दीपिका जी के साथ मैंने अभी तक स्क्रीन शेयर तो नहीं किया, दीनदयाल में वो थी, उन्होंने एक नेगेटिव शेड किया हुआ है जर्नलिस्ट का, तो मैंने उनको शूट पे देखा हुआ था लेकिन हम लोगों ने स्क्रीन शेयर नहीं किया था उसमें, और फिर अब मौका मिला है कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का सरोजनी में, तो अब मैं एक्साइटेड हूँ और ऑनर्ड भी फील कर रहा हूँ उसके लिए। ओके, तो सरोजनी मूवी की शूटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है? जी नहीं, अभी नहीं हुई है, अभी उस पर पोस्टर रिलीज हुआ है। अच्छा, और पता लगा कि लॉकडाउन के टाइम पर आपको आपके पास ऑफर आया सरोजनी मूवी का। जी, तो अब लॉकडाउन है, शूटिंग नहीं चल रही है, इसका क्या प्रभाव हमारी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर या हमारे टीवी जो छोटा स्क्रीन है उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, आप उसके बारे में कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएंगे। जी देखिए, लॉकडाउन हो गया है तो खासकर जो हमारी इंडस्ट्री पे है वो एक पहाड़ से टूट पड़ा है, क्योंकि आप देखिए गवर्नमेंट सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही है लेकिन हमारे इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर रही, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसा बाहर से कि इंडस्ट्री में जितने लोग आ रहे हैं सब अच्छे खासे पैसे से संपन्न है या कुछ है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, स्ट्रगलर्स बहुत है इंडस्ट्री में और सबको पैसे की कमी है और उनके लिए पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि खासकर टीवी सीरियल्स में जो आर्टिस्ट एक्ट करता है तो उसको शूटिंग के 3 महीने बाद ही पैसा मिलता है। अच्छा, और हाँ, और वो पैसा तो अभी उनको मिला नहीं है, और फिर अगर वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी शूट करते हैं जब उनको शूटिंग परमिशन मिलेगी फिर उसके 3 महीने बाद ही उनको पेमेंट मिल सकेगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है अभी। बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल सही बात है, अगर शूटिंग स्टार्ट भी होती है उसके बाद खत्म होती है उसके 3 महीने बाद उनको मिलता है, तो ये मेरे ख्याल से 5-6 महीने तक का टाइम लग सकता है कि आगे उनकी अर्निंग आनी स्टार्ट हो आराम से, मीन 2020 उनका पूरा बर्बाद जाएगा। तो आपको अच्छा खासा नुकसान हुआ आपके कहने का मतलब इस लॉकडाउन के टाइम? जी बिल्कुल। आपने भी लॉकडाउन से पहले कोई मूवी खत्म करी या कोई टीवी सीरियल ऐसा जो भी खत्म करा हो जिससे आपका भी पेमेंट रुका हुआ हो? जी हाँ, मैंने टीवी सीरियल कंप्लीट किया है कस्तूरी एक कहानी जो डीडी अरुण प्रभा के लिए है और 52 एपिसोड का है और वो भी जल्द ही टेलीकास्ट होने वाला है जुलाई एंड तक, और हाँ पेमेंट तो अब सबका रुका हुआ है लेकिन हम लोग के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो काफी सपोर्टिव हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं देते हमारे आर्टिस्ट। दिक्कत नहीं आने देते, चलिए बहुत अच्छी खबर है कि दिक्कत नहीं आने देते हैं, सपोर्टिव प्रोड्यूसर्स हैं आपके। तो कस्तूरी मैंने मेरे को पता लगा आपका पहला टीवी सीरियल था? जी हाँ, टीवी का वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और हाँ, और हाँ काफी एक्साइटेड था मैं उसके लिए, क्योंकि टीवी का मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था, फिल्म मैंने कर ली थी जी। फिर क्योंकि टीवी में कहते हैं यार सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, थोड़ा बर्डन ज्यादा आता है जी। और फिर उसमें मैं थोड़ा नेगेटिव शेड कर रहा हूँ कुछ एपिसोड्स में, तो मैं एक्साइटेड था उसके लिए कि भाई मेरा मनपसंद ये किरदार है उसको कैसे निभाऊंगा, उसके लिए काफी एक्साइटेड था। तो कभी आपने, अच्छा आपने ये सोचा था कि जब कस्तूरी करने जा रहे थे तो जैसा होता है कि हर किरदार हर इंसान इतना नहीं सोच पाता, क्या कभी सोचा था कि आज आप इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि आप बड़ी मूवीज भी करने को मिल रही हैं, बड़े स्टार्स आपके साथ में अटैच हो रहे हैं, कभी सोचा था आपने इतना हो पाएगा?
तो तुषार, जैसा कि मेरे को पता लगा कस्तूरी आपकी आपका पहला टीवी सीरियल था, तो उसको जैसे कि जब पहला होता है तो हर कोई विश्वास नहीं कर पाता कि मैं कहाँ जाऊँगा, कोई नहीं पता होता कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब जैसे कि आपने बहुत जल्दी बहुत बड़ी तरक्की पाई, आप बड़े स्टार्स के साथ भी आप अटैच हो रहे हैं, बड़े स्टार्स के साथ काम करने को मिल रहा है, तो कभी सोचा था आपने कि आप इस मुकाम पर इतनी जल्दी पहुँच पाएंगे? नहीं सर, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर लखनऊ में आया था, और लखनऊ में मैं था लखनऊ क्रिकेट एकेडमी में। तो मैंने एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर स्टार्ट किया था और अंडर 16 स्टेट मैंने खेला हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस एकदम अलग था। मैं 4-13 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा था, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं अभिनय की दुनिया में भी आ सकूंगा, मैंने सोचा नहीं था कभी। तो बीच में ऐसा गैप आया कि वो कैरियर अच्छा नहीं चल रहा था मेरा क्रिकेट का, तो उसमें एक बारिश टाइम गैप मिलता है क्रिकेट के लिए, तो उसके लिए मैं दिल्ली गया हुआ था। तो वहां पे मुझे पता चला कि यार दीनदयाल चीफ पुरुष मूवी है, उसका एक ऑडिशन चल रहा है, तो मैंने एक कॉन्टेक्ट किया उनसे, तो धीरज मिश्रा जी थे जो उस फिल्म के राइटर थे, तो उनसे मैं मिला मुंबई में, और उन्होंने कहा कि ऑडिशन चल रहा है तो आप ऑडिशन दे दो। तो वो कैरेक्टर माँ शब्दे का था, जो दीनदयाल उपाध्याय जी के फ्रेंड का किरदार है, तो मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट भी हो गया उसमें। तो बहुत खुशी हुई उस टाइम कि यार मैंने अभी जस्ट पहला ट्राई मारा है और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे पहले मेरे मन में आ रहा था कि मैं NYFA जाऊं, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, जो कि लॉस एंजलिस में है, तो वहां जाना छोड़ के फिर मैं यहाँ पे, जो 12th of October 2018 को पहला शूट था दीनदयाल की पुरुष का, और वो मैंने किया। फिर उसके बाद नवंबर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा होता है, गोवा में, तो वहां पे मैं धीरज मिश्रा जी से फिर मिला, तो वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि यार एक विमुक्ष करके फिल्म बना रहा हूँ और उसके लिए मुझे 18 से लेकर 21 साल के कैरेक्टर की डिमांड है, तो बोले तो ऑडिशन देना चाहोगे आप? तो मैंने कहा हाँ सर, क्यों नहीं, मैं ऑडिशन देना चाहूंगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, तो मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया था, और वो भी मेरा लक है, मेहनत है कि वो क्लिक कर गया और मुझे विमोक्ष फिल्म मिल गई, जो कि पूरी फिल्म एक लड़के पे ही डिपेंड है। थोड़ा विमोक्ष के बारे में मेरे को बताइए, आपने बताया एक लड़के के ऊपर डिपेंड है, उन्होंने कहा था 18 से 21 साल के बीच का लड़का हमें जी जी के लिए जी, ऐसा क्या है कि 18 से 21 साल के बीच के लड़के के लिए को ही उस मूवी में जगह मिलनी थी? जी जी, ऐसी बात है कि आजकल जो हम लोग का दौर चला है, विमोक्ष इस फिल्म का नाम है, तो मोक्ष इसका मेन मतलब हम लोग का आत्मा है इस फिल्म की, क्योंकि आजकल लोगों में थोड़ा अंधविश्वास चलाया जाता है कि भाई तुम्हें जीते जी मोक्ष मिलेगा, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि मोक्ष मरने के बाद मिलता है, और ये फिल्म में वो दिखाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी जो बहुत बड़ी चीज दिखाई गई वो ये कि पैसा ही जिंदगी में महत्वपूर्ण नहीं होता है, शांति नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि इस फिल्म में क्या होता है कि मैं ग्रेजुएट होके आता हूँ, मतलब घर में नहीं बनती है, तो मेरे पापा थोड़ा सा गुस्से मिजाज के होते हैं और मुझे हमेशा ताना मारते हैं, अपने पैसे का रुतबा दिखाते हैं, तो उसके बेसिस पे फिल्म है। वो अकेले सर्वाइवल के लिए निकल जाता है, वो कुंभ जाता है, उसके बाद माना जाता है उत्तराखंड जाता है, लास्ट तक जाते जाते ह्यूमन सर्वाइवल दिखाया गया कि भाई पैसे के बिना आदमी भी रह सकता है, वो अपने पैसे जला देता है, मोबाइल फेंक देता है, मतलब इस दुनिया से अलग हो जाता है। फिर लास्ट में उसको जाके पता चलता है यार मैं जिस चीज के लिए इधर भटक रहा था, मोक्ष के लिए, वो जीते जी नहीं मिलेगा। और एक साधु रहते हैं, वो मुझे बताते हैं बेटा मोक्ष जो है ना वो मरने के बाद ही मिलता है, लेकिन आप जो ढूंढ रहे हो उसको कहते हैं शांति, तो जो आपको मिल रही है तो आप इसके लिए ढूंढ रहे हो और आपने वो पाया है। मैंने कहा जी ये बात तो है। तो लास्ट में क्या होता है, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, तो उसके लिए लोगों को मूवी देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों से ये उम्मीद करेंगे सभी आपकी मूवी देखें। अच्छा एक चीज और, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली आज इसमें, मेरे को याद आया कि एक बहुत गंदे दौर से इंडस्ट्री गुजर रही है, बहुत सारे हम लोगों ने फिल्म स्टार्स अपने अच्छे अच्छे खो दिए हैं। अभी जल्दी में हम लोगों को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानकारी मिली, सभी जी जी सर, बहुत शॉकिंग न्यूज है सभी के लिए, इवन सभी को, कल से मैं देख रहा हूँ कि सारा सोशल मीडिया सुशांत सिंह राजपूत से भरा हुआ है, सभी लोगों को बहुत बुरा लगा। अभी तक किसी को भी ये नहीं मालूम कि ऐसा क्या है, जबकि सभी का यही सवाल है कि सब कुछ उनके पास था, ना पैसे की कमी थी ना कुछ था, उसके बावजूद इतना बड़ा डिसीजन, सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही जिंदा दिल किरदार रहे हैं, हमने जब भी उनकी फोटो देखी या जब भी उनको देखा मुस्कुराते हंसते हुए देखा, ऐसा क्या उनकी जिंदगी में उथल पुथल आया होगा? बीइंग अ स्टार, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एक स्टार होने के नाते, कि क्या है तो ऐसा जिंदगी में कैसा क्या हुआ होगा, ऐसा आपको क्या लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और ऐसे जिंदा दिल किरदार ने, ऐसे जिंदा दिल स्टार ने?
जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्री है हमारी, वो बाहर से बहुत ही सुंदर दिखती है, लेकिन अंदर आदमी की क्या चल रहा है उसको उसको ही पता होता है। और इन सब चीजों में क्या होता है कि आपको आपका जो क्लोज, जितने लोग क्लोज हैं उनसे बात करने की जरूरत पड़ती है, और वो उनको नहीं मिला शायद वो इस लॉकडाउन की वजह से। अब मुझे जो कारण लगता है वो डिप्रेशन में गए कि उनकी पर्सनल लाइफ का कारण हो, क्योंकि कैरियर उनका बहुत ऊंचा चल रहा था, मतलब एक लेवल पे थे वो। उनकी पिछली फिल्म छिछोरे इतनी बड़ी हिट थी, तो एक इंसान कैरियर से हार के ये सब नहीं कर सकता, और वो ऐसे इंसान तो थे नहीं। जिस हिसाब से उनकी सोच थी, समझ थी, वो एकदम अलग इंसान थे। तो मुझे लगता है कि इस समय सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, और खासकर आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि लोग पीठ पीछे बहुत बोलते हैं, और खासकर फिल्म स्टार्स के। लेकिन लोगों को लगता है कि उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, वो अंदर से एक लगता है कि भाई यार अभी उनकी कुछ फिल्में नहीं चली तो लोगों ने उनको कहना चालू कर दिया, यार वो नहीं आ पा रहे, मतलब उन्होंने वो मुकाम नहीं बना पाया, फ्लॉप हो रहे। तो उन्होंने कुछ, मैंने उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखे तो उन्होंने कुछ कमेंट ऐसे भी किए हैं कुछ लोगों को कि यार मेरी फिल्म देखो नहीं तो मुझे ये लोग बॉलीवुड से निकाल देंगे, मतलब समझ रहे हैं। आपने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे स्टार थे, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज उन्होंने करी है, सबसे बड़ी धोनी जी जो स्टोरी पर उन्होंने एक मूवी बनाई थी, बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ में उन्होंने काम करा। आपने बोला कि ऐसा नहीं लगता कि प्रोफेशनल लाइफ से वो परेशान होंगे अपनी? बिल्कुल नहीं सर, प्रोफेशनल कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ पर्सनल उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा होगा, ऐसा चल रहा था जिससे ये बड़ा कदम उन्हें उठाना पड़ा। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रही थी जो वो शेयर नहीं कर पाए लोगों से, और उनके टच में बहुत लोग आना चाहते थे लेकिन नहीं आ सके। और वो क्या होता है कि अब कोई आदमी निकल जाता है ना इधर से, तब उसके बाद जाके एहसास होता है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, इतने होनहार और इतने टैलेंटेड अभिनेता का जाना, जो सेल्फ मेड इंसान था, जो पटना से यहाँ अकेले आया हुआ था संघर्ष करते हुए, और उसने धीरे धीरे करते करते आज इतना बड़ा मुकाम इंडस्ट्री में हासिल किया, लेकिन वो डिजर्व नहीं करते थे ये चीज। तो आपको लगता है कि हाँ, इसमें प्रोफेशनल लाइफ में इस वक्त हम बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ ये वाली दिक्कतें चल रही होंगी जो लॉकडाउन की वजह से हुई है? जी बिल्कुल सर, अब जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं खासकर उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, और जो सेल्फ मेड स्टार्स हैं या बहुत बड़े स्टार्स हैं तो उनके लिए तो खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा दिक्कत है, पैसे को लेकर भी और काम को लेकर भी। लेकिन आपने बताया कि आपके प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही है सामने। जी जी, सरकार मेरे से आप कुछ उम्मीद करते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए कि सरकार कुछ अलग से करे, आपको कुछ लगता है कि जो सरकार कर सकती है? जी बिल्कुल सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस ओर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि आर्टिस्ट एक ऐसा मतलब सेल्फलेस इंसान है जो एक किरदार प्ले करके हट जाता है, वो इस इंडस्ट्री का किसान है एक तरीके से, जो मेहनत करता रहता है फसल डालता रहता है, फिर बाद में उसको उसका फायदा मिलता है। लेकिन अब ये ऐसा ब्रेक आया है, सरकार की तरफ से कोई मदद आई नहीं है अभी तक, और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये मदद आए। लेकिन हाँ, कुछ एनजीओ की तरफ से आई है, जैसे बींग ह्यूमन, सलमान खान का जो एनजीओ है, वहां से पैसे आए हैं कुछ लोगों को जो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं टिंटा से, उनको कुछ पैसे आए हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी इसके लिए तारीफ करनी होगी कि कोई इंसान इंडस्ट्री पे ध्यान दे रहा है। तो आप समझते हैं कि सलमान खान बहुत मददगार हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए? जी नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री ने ही उनको बहुत कुछ दिया है, उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। जी बहुत कुछ दिया है और वो बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए केवल एक्टर्स भी नहीं है, स्पॉट बॉय होते हैं, लाइटमैन होते हैं, और छोटे छोटे जितने भी वर्कर्स हैं, बहुत स्टाफ होता है, पूरा क्रू होता है, तो उनके लिए सर्वाइव करना मुंबई जैसी जगह में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे समय पे एक सलमान खान जैसे आदमी का आके ऐसी मदद करना लोगों की एक फरिश्ते के समान ही है। बहुत अच्छी बात है तुषार। आपकी एक मूवी आ रही है दीनदयाल एक युग पुरुष, आपने बताया कि आपकी इसकी शूटिंग रुक गई, आप अभी उसकी शूटिंग चल रही है? नहीं सर, दीनदयाल उपाध्याय की शूटिंग खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। और हाँ, और उसको यूज सर्टिफिकेट भी मिल चुका है सेंसर से। हाँ, आपने बताया अभी बस रिलीज नहीं हुई। हाँ हाँ, बस रिलीज नहीं हुई, रिलीज होना बाकी। बिल्कुल, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा उस मूवी के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर ये मूवी बनी है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, नाम सुनकर मेरे को एहसास हो रहा है इसका, तो थोड़ा उसके बारे में। जी देखिए, ये दीनदयाल जी के दोनों पार्ट में दिखाई गई फिल्म, एक उनकी लाइफ के बारे में
जो उन्होंने स्ट्रगल किया शुरू से, और जो उसका इस फिल्म का महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इनकी मर्डर मिस्ट्री जो आज तक सुलझी नहीं है। किसी को पता नहीं था कि यार इतने बड़े इंसान को जो एक युग पुरुष थे उनको युग पुरुष कहा गया है, और उनकी ऐसी मृत्यु होना वो बहुत ही दुखद था उस टाइम, और अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो उससे हम लोग थोड़ा सा पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, हमारी टीम ने, हमारे राइटर ने, हमारे डायरेक्टर ने, अब देखते हैं वो सफल होती है कि नहीं। आपका कहने का मतलब है वो मर्डर मिस्ट्री जो मिस्ट्री थी उसको आप लोगों ने खोलने की कोशिश करी है मिस्ट्री? जी बिल्कुल, इस मूवी के लिए। जी क्यों, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे आज के युवाओं को जिनसे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले? आप जैसे कि बहुत जल्दी एक उभरते हुए सितारे हैं, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक अच्छा नाम आप देश का करेंगे मैं उम्मीद करता हूं, तो कोई मैसेज आपकी तरफ से मैं चाहूंगा कि आप अपने युवाओं को दें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको? थैंक यू सर, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आप अगर जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो तो आप एकदम लगन के साथ करिए, और खासकर अगर आप इंडस्ट्री पे आ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई में लाखों लोग आते हैं महीनों में, और दिन में 10,000 लोग आते हैं और बाहर से आगे ऑडिशन देते हैं, तो उनका मेन फोकस ये होना चाहिए यार कि मैं इधर काम करने आया हूँ और मुझे काम करना है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि शहर की दुनिया देख के, और अलग दुनिया है ये, एकदम माया नगरी है, तो लोग थोड़ा बहक जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, भाई आप जिस काम के लिए आए हो वही करो और आपको ये इंडस्ट्री अपनाएगी, ये इंडस्ट्री सबको अपनाती है, और इधर अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, अगर इस टाइम आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप में कुछ कमी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने आपकी आने वाली मूवीज के लिए। आप बहुत जल्द, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द एक बड़े स्टार बने और बड़े स्टार के साथ काम करें और खुद भी बड़ी बड़ी लीडिंग रोल्स में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए समाचार को सब्सक्राइब करें।